जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। देखो मौसम कितना बढ़िया है, बाहर बिजलियां चमक रही है, बरसात हो रही है और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बट मन कर रहा है बाहर जाने का, बट पता है अगर बाहर चला गया तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो स्टिल मैनेजिंग। सुना है इस हफ्ते आपने कुछ नया ट्राई किया? यस गाइस, आई हैव ट्राइड एक्चुअली समथिंग वेरी कूल एंड उसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई वुड नॉट वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग, बेसिकली नथिंग, यू नो। Stay tuned, I think बहुत जल्दी आपको मिलेगा उसके बारे में काफी ऐसे एक्साइटमेंट वाला सीन, बट अभी के लिए टाइम है आपसे बात करने का, टाइम है आपको जवाब देने का जो भी हमने सवाल पूछे हैं उनके, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, करते हैं शुरुआत सिरिंडिक मसाला की, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सैम की तरफ से, वो पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी द बेस्ट 32 इंचेस टीवी अकॉर्डिंग टू यू। बेस्ट 32 इंच का टीवी, यार देखो बजट में जो है, फॉर एग्जांपल रियलमी का टीवी है या रेडमी का है या वन प्लस का है, यू नो यू कैन चूज, बिकॉज अगर आप इनफैक्ट सैमसंग भी देख सकते हो यार, अगर आपको प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है तो, बिकॉज यू नो प्रीमियम ब्रांड्स में जब जाएंगे तो कई बार ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है, यू नो, तो हाई एंड टीवीज तो ऑफकोर्स इट मेक्स सेंस कि आप एक प्रीमियम ब्रांड का लो, बट बजट में समटाइम्स यू कैन यू नो लुक फॉर दीज ऑप्शंस एज वेल। सिद्धार्थ कह रहे हैं उन्होंने आईक्यू 7 लिया था, कुछ दिन बाद अपडेट किया तो स्क्रीन में एक ग्रीन लाइन आ रही है, सर्विस सेंटर वाले बोले 7K कॉस्ट होगा, तो मैं एक और मोबाइल लिया रेडमी 12 प्रो प्लस, उसमें भी आ गया है ग्रीन लाइन, अब क्या ही करूं भाई? भाई केस कर दो कंपनी के ऊपर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गो टू कंज्यूमर कोर्ट, अगर वारंटी पीरियड है या वारंटी पीरियड नहीं भी है, अगर एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपके डिवाइस में ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, गो हेड यार, मतलब अदरवाइज कंपनी वाले आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे, हार्डवेयर इशू आ रहा है, उनकी गलती से आ रहा है, जो भी है गो अहेड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, तभी आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा। स्वासी पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैमसंग S21 FE रीलॉन्च विद स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। यस इट्स रीलॉन्चिंग एंड आई मीन वैसे देखा जाए अगर बोलता हूं तो डेफिनेटली इट्स एन अपग्रेड, क्योंकि पहले जो आया था वो एक्जिनोस वाला आया था, तो अभी हमारे पास में स्नैपड्रैगन 888 वाला मिल रहा है S21 FE जो अभी नो लॉन्चिंग वेरी सून इन इंडिया, बट बिकॉज थोड़ा सा नो चिप शॉर्टेज और उन सब की वजह से दैट साइकिल गॉट डिस्टर्ब्ड, तो अभी हम नो S21 की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट है, बट देन उसके बाद में जब S23 FE या मतलब यू नो और आगे आगे देन साइकिल जब ठीक हो जाएगा तो और सही है, बट अभी के लिए अगर हम एक नाम को छोड़ भी दें, अगर फोन को जज करते हैं इंडिविजुअल स्केल पे, तो जितना मेरे को पता है क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको वीडियो मिलेगा जल्दी उसका। प्रत्युष जानना चाहते हैं व्हाट शुड आई गो फॉर, मोटो H40 और नथिंग फोन 1 July 2023। H40 ले लो यार, नथिंग फोन 1 तो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना मॉडल है, H40 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिल रही हैं, लेटेस्ट लॉन्च है, IP रेटिंग भी है, यू नो एक स्लीक डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल भी, मतलब मेरे ख्याल से मोटोरोला ले सकते हो, नथिंग लेना है तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि नथिंग नहीं लो, बट मतलब मोटो H40 इज अ न्यूअर डिवाइस, तो यू नो यू वांट टू ट्राई दैट। इमरान जानना चाहते हैं शुड आई बाय S23 अल्ट्रा और Z Fold 4 और Flip 4 और वेट फॉर Z Fold 5 एंड Flip 5। भाई इसका मतलब आप सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन लेने की बात कर रहे हो, देखो Flip 4 एक अलग प्राइस का मिलता है, Fold 4 एक अलग प्राइस का मिलता है, S23 अल्ट्रा एक अलग टाइप का फोन है ऑल टुगेदर, तो अगर आप इन जनरल एक फ्लैगशिप फोन लेना चाह रहे हो सैमसंग का, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो फ्लिप है या फोल्ड है या स्टैंडर्ड फोन है, तो बोलूंगा और 2 हफ्ते की बात है यार, 26 तारीख का तो अभी वो है अपना ये Samsung Unpacked, तो तब आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, उसके बाद में यू कैन डिसाइड कि आपको क्या लेना है। जतन पूछ रहे हैं क्या ये अभी मेटा के न्यू प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर भी होगा, हैशटैग बोलो गुरुजी। कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं वहाँ पे भी, मेटा थ्रेड्स पे मैंने बस जस्ट अपना भी अकाउंट ही वो किया था, यूज तो कुछ किया नहीं है वहाँ पे, एक बस ऐसे हाथ लाया था और कुछ नहीं किया था, लेकिन जल्दी कर सकते हैं। आशीष जानना चाहते हैं टाइप C2C और टाइप A2C केबल में कोई डिफरेंस रहता है क्या, फ्रॉम टेक्निकल स्टैंडपॉइंट इज वन बेटर देन द अदर? Yes, C2C is better than A2C in terms of compatibility, in terms of data transfer speeds and like you know various other protocols, because this is what मतलब यू नो एक जो USB टाइप सी के अंदर बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं 100 वॉट्स तक पावर सप्लाई, या फिर हम बोलते हैं यू नो कितने GBPS का, मतलब सो जो USB A2C है वो कहीं ना कहीं आपको वो स्पेक्स में जो है वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं मिलेगी कम्पेयर टू अ C2C केबल। फहाद पूछ रहे हैं क्या सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी सेफ और सिक्योर है, और क्या इसमें हमारे पर्सनल डेटा सेफ रहता है, और क्या नॉक सिक्योरिटी एप्पल की सिक्योरिटी से अच्छी है या एप्पल के लाइन में ही है?
फहद बस ये बताओ कि आपके पास में कौन सा डिवाइस आपको सिक्योर कर रहा है इतना ज्यादा। वैसे चलो फन असाइड, सैमसंग नॉक्स इज डेफिनेटली वेरी सिक्योर, एप्पल जो है वो भी हम यू नो मानते हैं कि सिक्योर है, और दोनों ही बोलूंगा कि काइंड ऑफ यू नो ऑन पार विद ईच अदर, बिकॉज आई यूज मेरा आईफोन अभी अंदर रखा हुआ है, सैमसंग एक आईफोन है और मुझे पता है कि इंडस्ट्री ग्रेड है, मतलब दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ यू नो सिक्योरिटी। कितनी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सैमसंग जो है वो बिड्स जीतता है बिकॉज दे प्रोवाइड द नॉक सोल्यूशन टू कंपनीज। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपको फोन में भी मिलता है, सेम गोज विद एप्पल एज वेल। सो आप दोनों में से कुछ भी चूज करते हैं तो योर डेटा, एज लॉन्ग एज आप खुद कहीं अपने चीजें लीक ना कर दें, वी थिंक कि यस डेफिनेटली इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। प्रकाश पूछ रहे हैं गैलेक्सी M34 का प्राइस क्या होने वाला है और अंडर 20K बेस्ट सैमसंग फोन विद एमोलेड डिस्प्ले, प्लीज टेल मी। यार वीडियो आ गया, आई थिंक आपने एक दो दिन पहले पूछा होगा सवाल, ये वीडियो आ चुका है M34 का, प्राइस भी आ चुका है। द नेट इफेक्टिव प्राइस फॉर द बेस वेरिएंट 6128 इज 16999, 8128 इज 18999 एंड सुपर एमोलेड स्क्रीन 120 हर्ट्ज के साथ में वो फोन मिल रहा है। तो आई मीन इफ यू वांट अ सैमसंग फोन विद सुपर एमोलेड स्क्रीन देन M34, तो वीडियो बन चुका है आप देख सकते हो। क्रिक क्रेज गेमिंग के दो सवाल है, पहला है इफ अ गेमिंग फोन इज नीडेड विद ट्रिगर्स अदर देन एसुस आरओजी व्हिच इज एक्सपेंसिव, व्हिच वन इज अवेलेबल इन द मार्केट, सेकंड डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉइड टीवी एंड गूगल टीवी, प्लानिंग टू बाय वन प्लस 43 इंच 4K टीवी, स्टिल अ गुड टीवी टुडे। वन प्लस का टीवी ले सकते हो यार आप, डेफिनेटली दे आर डूइंग गुड। उनकी सीरीज नई नई आई है वो देखना, उनका Y1 था फिर Y1 SB आया था, तो मतलब यू नो विच लाइनअप यू आर एक्जैक्टली लुकिंग एट वो आप देखना। जहां तक बात है ट्रिगर्स के लिए, तो आरओजी के अलावा पोको के बीच में मॉडल्स आए थे, आई थिंक पोको GT था ना, वो F3 GT था या कौन सा था जहां पे आपको वो मिलते थे ट्रिगर्स, तो वो बट आई थिंक पुराना हो गया है अभी, आई डोंट थिंक किसी में अगर आपको ऐसा मिल रहा है क्या ऑप्शन। अनुराग पूछ रहे हैं 30K to 35K का बजट है, विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन ओवरऑल विद अ गुड कैमरा सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, शुड आई गो विद गैलेक्सी S21 FE और आर देयर बेटर ऑप्शंस। यार S21 FE तो एक बार आप वेट कर लो, वो 888 वाला वर्जन जो एक बार लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस भी आपको मिल जाएगी, तो एक बार आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज सैमसंग का जो F54 है रिसेंटली लॉन्च, जिसमें 108 MP कैमरा विद OIS आपको मिलता है एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है, इट कम्स अंडर 30K, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, बिकॉज इन जनरल kind of, you know, the camera performance, let's say मैं आपको बोलता Moto Edge 40, but Moto के अंदर आपको उतना मजा नहीं मिलेगा, you know, phone definitely is a very good package, but camera is not really the best, तो I think Samsung F54 you can try. Sunny पूछ रहा है, what is your opinion on Threads? According to you, which one is better, Twitter or Threads? यार देखो मुझे ऐसा लगता है ना, थ्रेड तो भी बहुत नया है, बस बिकॉज फेसबुक के पास में, मेटा के पास में यू नो प्रिसाइजली इतना बड़ा एक ऑलरेडी यूजर बेस है इंस्टाग्राम का, विच इज अ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, तो वहीं से ही तुरंत इसलिए पॉपुलैरिटी बनी है, 7 घंटे में 10 मिलियन लोग पहुंच गए थ्रेड्स के ऊपर, तो मतलब वो एक चीज़ है। बट देखो ट्विटर जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रेड्स में नहीं है, तो अभी इट्स टू अर्ली टू से, और दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ट्विटर भैया बंद हो जाएगा और थ्रेड रहेगा अकेला, या मतलब दिस इज नॉट यू नो गोइंग टू हैपन। बोल सकते हो दिस वर्सेस दिस, बट इन जनरल आई वुड से थ्रेड्स में आपको फेसबुक वाली फील आएगी, यू नेवर नो कल क्या होने वाला है। ट्विटर जो है उसका एक अलग वाइब चल रहा है बहुत टाइम से, वो अपनी जगह पे है। अबीर कह रहे हैं अंडर 70K में क्या कोई मैकबुक आएगा इंक्लूडिंग स्टूडेंट डिस्काउंट, और अगर नहीं आए तो उस प्राइस में कोडिंग के लिए किस विंडो लैपटॉप खरीदना सही रहेगा। यार आ सकता है, इफ यू कैन ट्राई मैकबुक एयर M1 विद स्टूडेंट डिस्काउंट। आप दूसरे जो रिटेलर्स है ना, जैसे इमेजिन हो गया है, आई स्टाइल हो गया है, एप्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया है, मेपल हो गया है, वहां पर ट्राई कर सकते हो कि आपको क्या कुछ अच्छी डील मिलती है क्या। समटाइम्स दीज जो प्रीमियम रिसेलर्स हैं वो जो डिस्प्ले पीसेज होते हैं वो भी बाद में सेल करते हैं, तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो, सकता है वो दूसरा कोई मैकबुक मिल जाए। बट एज अ स्टूडेंट ना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू अ मैकबुक इफ दैट्स योर बजट, बिकॉज यू विल नॉट गेट गुड एडवांटेज इन विंडोज टू बी ऑनेस्ट। दीपक कह रहे हैं रेडमी नोट 10 में 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट आया, दोनों करने के बाद मोबाइल पूरा खाली डब्बा बन गया है, फर्स्ट अपडेट में कैमरा डेड हो गया, सेकंड अपडेट के बाद साउंड नहीं आ रहा, ना ही कॉलिंग हो रहा और ना ही वीडियो प्लेबैक हो रहा, सर्विस सेंटर कह रहा है कि 12,000 रुपए लगेंगे फोन को ठीक करने के लिए। कंज्यूमर कोर्ट स्ट्रेट गो हेड, रजिस्टर कंप्लेंट और बताओ वहां पे पूरी कहानी। इट्स वेरी इजी, यू नो अपनी आपको प्रॉब्लम अगर मेंशन करनी है तो उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा यार उनकी तरफ से, विच इज द बेस्ट वे पॉसिबल आई एम सेइंग।
आप सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रह जाते हो, बहुत बार परेशानियां होती हैं अक्रॉस यू नो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लें, चाहे मोबाइल फोन में लाइन आ गई, कुछ भी हो गया, तो बेस्ट सोल्यूशन इज गोइंग टू द यू नो अथॉरिटीज एंड वो बाद में हेल्प करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है विनोद की तरफ से, वो कह रहे हैं इफ ब्रदर मेक्स यू द एम्बेसडर ऑफ एनी ब्रांड व्हिच ब्रांड वुड इट बी? मायसेल्फ, और किसका बंदा है यार। तो गाइस आई होप कि आपको सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं जल्दी से जाता हूँ अपना कुछ गरम गरम खाने पीने को देखता हूँ, बिकॉज बरसात जो है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, सुबह से हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड, काफ़ी एक्साइटिंग और चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो। मैं सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।